आप देख रहे हैं आरभट न्यूज खबर पटना से है। बीते 16 दिसंबर से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का कृषि कानून के प्रति विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी पप्पू यादव की जनतांत्रिक विकास पार्टी के द्वारा पटना के राज्य भवन के लिए किसान न्याय मार्च निकाला जाना था, लेकिन पटना जिला प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इतना ही नहीं, जाप कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन ने लाठी चार्ज के साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं नीतीश कुमार की पुलिस आंदोलनकारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। जरा आप भी देख लीजिए, इन पुलिस वालों का अपराधियों पर कोई जोर नहीं चलता, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन निकालता है तो उस पर किस तरह से व्यवहार किया जाता है, तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हमारी गिरफ्तारी आपकी सरकार की आखिरी चीज साबित होगी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ और जन अधिकार पार्टी अब हमेशा किसान आंदोलन के लिए आज से अनिश्चितकालीन शर्तों पे है। जिस तरह से सरकार हम लोग को तरीके से घसीटते हुए लेकर आई है, सरकार के ताबूत में खेल साबित होगा छात्र का यह आंदोलन, किसानों का यह आंदोलन। आप किसानों के हित की सरकार नहीं है, आप छात्रों के हित की सरकार नहीं है। सभी इच्छा या तो धांधली के बलि चढ़ जाते हैं। पप्पू यादव जी के नेतृत्व में किसान और नौजवान सब आज सड़कों पर है। हम लोगों को बिठा कर जेल ले जाया जा रहा है, लेकिन हमारी लड़ाई पूरा बिहार आज देख रहा है जिस तरह से खिसकते हुए लाया है, उसको भी दिखा देंगे। देख लीजिए किस तरह से कौन सा जुर्म किए हैं, किसको मर्डर किए हैं, किसका लूटपाट किए हैं।
बेटी आवाज उठा रही थी और उसके साथ इस तरह का इतना जो मर्डर करके घूम रहा है उसको क्यों नहीं लोग पकड़ते हैं? किस लिए ये प्रशासन बना हुआ है बेकसूर को घिसते हुए लाने हुए के लिए? आप लोग जाके बता दीजिए जिसने इस बेटी के साथ किया है, ये निकम्मी सरकार।